ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आप दरोगा है ना? ठीक, नेपाल है तो फोन कर रहा है। आप लोग कहें दरोगा है? आप लोग जाके घर कहें दरोगा है? आप दरोगा है? जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील परिसर में खड़े हैं और यहाँ पर एक अजीब गरीब चीज देखने को ये मिली कि न्यायालय के आदेश के बाद भी कुछ लोगों के ऊपर जुल्म और जाति के पहाड़ टूट पड़े, तो मजबूरन वो मीडिया का सहारा लिए। तो हमारे साथ में एक ये बाबा खड़े हैं जिन्होंने हमें फोन करके बुलाया, तो हम ये बाबा से जानेंगे कि आखिर इनकी क्या तकलीफ क्या पीड़ा है। बाबा क्या नाम है आपका? रामदास। कहाँ घर पड़ेगा? मसीरपुर, लालगंज मसीरपुर। लालगंज मसीरपुर। अच्छा, क्या समस्या क्या है, क्यों आपने हमें बुलाया? साहब हमारा तरवा मार्ग थे, कुछ खेत उसमें प्रभावित है, 15 कड़ी खेत हमारा बचा है साहब, और वो जबरदस्ती पाट लिए हैं साहब। मैं पक्की पैमाइश कराया हूँ। किसने पाटा है? श्री राम और चंद्रेश। जबरदस्ती पाट लिए? जबरदस्ती साहब। रात रात को मैं पुलिस को खबर देता हूँ तो वो पुलिस जाती वहाँ खड़ी होती है, इसके बाद हमको कुछ कहती भी नहीं है। अब वह जो है रात में जीपीसी लगा करके रात में सब मिट्टी पार दी, हमारा सब कब्जा, जेसीबी से मिट्टी पार के कब्जा कर लिए साहब। तो आपने जो क्या कह रहे थे, पक्की फरमाइश कुछ कराए थे आप? हाँ साहब, मैंने पक्की फरमाइश कराया है, पत्थर गड़ा है वहाँ सर, और बांस बल्ली मैं लगा रहा था, फिर पुलिस बुला करके उन्होंने मुझे रोक दिया है। किसने? श्री राम और चंद्रेश ने जी, और रोक दिया है मुझे साहब। हमारी जमीन जबरदस्ती हड़प रहे हैं, बाहा में मकान बनाए हैं, बाहा के बाद उन्होंने जो है साइफन डाला है, और कम से कम 100-200 बीघा की जमीन प्रभावित है सब वहाँ। पानी की निकासी पूरी रुक गई? पानी की निकासी साहब पूरी रुक गई है, और हमको जो है मारने के लिए धमका रहे हैं। कौन? वो श्री राम और चंद्रेश। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम साले जो है कि ये तुम्हारा बचा नहीं है, सब जो है चला गया है सड़क में, और तुम्हारा जो है कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब मेरा है। वह साहब किस बैनामा जमीन ले करके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, जबरदस्ती मेरा कब्जा कर रहे हैं, और कर लिए, कोई मेरी सुनवाई नहीं होती है सर। यानी पुलिस भी आपकी नहीं सुन रही? नहीं साहब, पुलिस जाती है केवल दिन में जाती है, जब हम दरखास्त लिख कर देते हैं तो जाती है, कुछ कहती नहीं है, बस देखकर चली जाती है साहब। 3 बार 2 बार मैंने दरखास्त भी दिया है, और लेखपाल भी गए थे, सत्येंद्र यादव गए थे, और पुलिस चौकी में चौकीदार के सामने उन्होंने पूछा कि मिट्टी कहाँ गिरी, तो उन्होंने कहा कि 3 नंबर में गिरी है, और इसके बाद भी वो नहीं माने, और जीपीसी लगा के सब मेरा चक साहब पाट लिए हैं। क्या हुआ आज के डेट में साहब? जो पैमाइश हुआ है पक्की पैमाइश, हम दरखास्त दिए थे पक्की पैमाइश का, और पक्की पैमाइश हुई है, वहाँ पर लेखपाल और कानून गो ये लोग गए थे, वकील गए थे, मौके पर पत्थर गाड़ कर आए, जब ये लोग चले आए तो साहब मेरा मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुम निर्माण मत करो। मैं बांस बल्ली बांध रहा था साहब, मुझे मारने और धमकाने लगे। कौन? और श्री राम और जो है चंद्रेश। अच्छा, ये लोग धमकाने लगे, मुझे डर है कि ये लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे साहब, मेरा कोई सुनवाई नहीं होता है। आपके पास ये पेपर किस चीज का बाबा? ये पेपर किस चीज का है? ये तो न्यायालय उप जिला अधिकारी का है जी, बराबर जी, और कार्य अधिकारी ये तो पीडब्ल्यूडी का है आपका, जो आप 15 कड़ी बोल रहे थे। जी साहब, मेरा 15 कड़ी पीडब्ल्यूडी से मुझे ये मिला है कि आपका इतना बचा, मैं सूचना अधिकारी। सारे दस्तावेज आपके पास है, न्यायालय का पेपर आपके पास है, तो फिर आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? अब हम नहीं जानते साहब कि क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, ये बार बार मुझे जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, हम मारने के लिए धमका रहे हैं। आज गए थे वहाँ पे नेपाल सत्येंद्र यादव, और यहाँ से चौकी इंचार्ज भी गए थे, कोई पेपर पर लेके गए नहीं थे, बस वहाँ पे बांस मेरा गड़ा था लाइन से, वो उखाड़ दी खम्मा को, मतलब भी टच किए थे। कौन कौन उखाड़? सत्येंद्र यादव। और क्या कुछ अपने आप को दरोगा क्या कुछ कह रहे? हाँ, वो घर पे गए थे, मैं वो बोला है कि वहाँ पे मैं दरोगा हूँ,
तब यहाँ पे हम लोग गए, यानी लेखपाल अपने आप को दरोगा बता के गए। हाँ हाँ, तो हम लोग जहाँ मेरी जमीन है वहाँ पे हम लोग गए थे, तो फिर हमने बार बार मतलब रिकॉर्ड भी किया है, वीडियो शूट भी। फिर हम लोग बोले कि आप नेपाल, मतलब आप नेपाल में, तो आप बोल क्यों रहे हो कि मैं चौकी इंसान हूँ। आप क्या कहते हैं भाई साहब, तो ये जो कह रहे हैं कहाँ तक सच्चाई है, आप थोड़ा इधर आइए ना। सर देखिए, हमारी जो जमीन है तो उस जमीन पे हमारा 8 साल से मुकदमा चल रहा था, लेकिन वो लोग जबरदस्ती माटी पाट लिए हैं। यहाँ तक कि सभी लोग जानते हैं, पूरी हमारी जो मसीरपुर की बस्ती है सभी लोग जानते हैं, उस पर हम लोग स्टे भी किए थे, लेकिन बट वो चंद्रेश हर वो सोचते हैं हम पुलिस हैं, तो इसके वजह से पुलिस विभाग, वो पुलिस विभाग में है चंद्रेश, वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों को कुछ करने नहीं दूंगा, हमारे पास इतनी पावर है और हम दबंगई से करेंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। यानी न्यायालय कोई माने नहीं रखता। हाँ, अब आप ही बताइए, संविधान में ये चीज लिखी है कि आप जबरदस्ती किसी का कोई चीज कब्जा कर लेंगे। भाई साहब आप थोड़ा आगे आइए, ये कहाँ तक सच कह रहे हैं ये? जी सर, ये हमारे चाचा के लड़के हैं। नहीं नहीं, ये जो बातें ये कह रहे हैं क्या ये सत्य है? हर बात सत्य बोल रहे हैं सर। अच्छा, वो आदमी हमारे साथ, आप थोड़ा इधर आइए, हमारे साथ वो बहुत अन्याय कर रहे हैं। हमने आपको न्याय चाहिए? जी हमको न्याय चाहिए, हमारा पत्र नसब हो गया है, वकील साहब कानी गो सब लोग वहाँ खड़े होके करवाए, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप ये काम मत करिए। बाबा आप क्या कहते हैं? जो साहब इन, लग रहे हैं इनकी जमीन है 15 एकड़, इनको चाहिए। आप इनके कौन हैं? मैं गांव का हूँ। अच्छा, गाँव। हाँ। अब सचिंदर गए के गए, वो मौका पर मैं था नहीं, वो जमीन इनकी है, इनकी है 15। अच्छा, जो जैसे वो सतेंद्र, ये लोगों के जो विपक्षी जो है, इनके इल्जाम लग रहे हैं कि वो कब्जा कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने इससे पहले भी किसी का कब्जा किया है? हाँ, हमारा भी दमंगई से कर रहे हैं साहब। आपका भी कर रहे हैं? हाँ। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई ना, मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, बैनामा दार हो गए। क्या क्या नाम है उनका? शामलाल, श्री राम, अनर्जी, बाददे, सतदेव, राजू। यानी ये लोग एक तरीके से भूमाफिया माना जाए। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, अब हम चलेंगे और इनके जो वकील साहब हैं उनसे बात करेंगे। अब हमारे साथ में पीड़ित पक्ष के जो वकील हैं पंकज सोनकर जी, वो मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि क्या पूरा मसला है। वकील साहब, ये जैसे कि अभी ये आपके पास जो फरियादी जिन्होंने हमें बुलाया है, उनके पास सारे दस्तावेज हैं और जिस तरीके से वो वीडियो भी हमको दिखाया उन्होंने कि किस तरीके से लेखपाल क्या रहे उनके खंभे को उखाड़ रहे हैं और किस तरीके से दरोगा अपने आप को कह रहे हैं, और जब हमने बात भी की आपके साथ, आपके सामने मोबाइल लगा के बात की, तो वो सामने आने के लिए भी तैयार नहीं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? कहना ये है कि क्योंकि हम वकील हैं और हमारे यहाँ तमाम पीड़ित लोग आते हैं, और ये जो रामदास हैं, जी जी जी, ये बहुत ही पीड़ित हैं। इनका जमीन जो है अराजी नंबर 3 और ये जनपदी मार्ग पलना तरवा मार्ग गया है, 70 कड़ी जमीन इनकी थी, और 70 कड़ी में इनका 54 कड़ी तो PWD में चला गया, 15 कड़ी इनका शेष बचा था। और दुख की यह बात है कि सरकार से ये दलित व्यक्ति हैं, इनको 1 रुपए का कोई मुआवजा नहीं मिला है, और मात्र 15 कड़ी जमीन जो है, और जिनका इन्होंने जन सूचना से लिया, वहां पर तमाम जो चक्करे इन्होंने काटी बड़े मुश्किल से मिला, और इसके बाद इन्होंने न्यायालय में हमारे पास आए थे, तो हमने इनका पक्की पैमाइश, इसका जो फीस वगैरह होता जमा करके दाखिल किया गया, और कानीगो और टीम के साथ सीमांकन हुआ, और सीमांकन होने के बाद 4 जनवरी 2022 को इनके सीमांकन की पुष्टि हो गई। पुष्टि होने के बाद दिनांक 10 4 2022 को राजस्व निरीक्षक और टीम के साथ इनका पत्थर नसब करा दिया गया, और पत्थर नसब जब कराया गया जहां पर जो है ठीक उसके सटे हुए बहा है, और हमारे जो पीड़ित ये रामदास जी हैं वहां से जो बहा है वहां सरहद है, यानी पानी का नाला। हाँ, वो सरहद, वो 3 गांव का सरहद है, एक तो मशीरपुर है, एक मनुआ है और एक खनियरा है, और वहां के लोगों को बताया जाता है कि यहाँ लालगंज से सटे हुए जो रणमो है, बावलपुर है, उपेना है, बम्बोपुर है, जब बारिश से बाढ़ आ जाता है तो उसी बहा से वो पानी जाता है जो बेसो नदी है जी। उसमें जाके गिरता है, और उस बहुत बड़ा बाढ़ साइफन लगाकर और पूरी मट्टी पाट दी गई, जैसे हम लोग गए थे, कानीगो भी देखे, लेखपाल भी देखे,
और वो इनके जो विपक्षी, मैं आपकी बात काट के कहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ जी है या जिले के जो मालिक हैं डीएम साहब, वो बार बार कह रहे हैं कि जिन्होंने नदी नाले बाहर के ऊपर अतिक्रमण किया है उसको साफ किया जाए, उसको गिराया जाए, तो क्या वो बाहर किसी को नहीं दिखता अधिकारियों को? ये तो डेफिनेटली इसके बारे में और हमारे पीड़ित ने राजस्व विभाग को अवगत कराया था प्रार्थना पत्र के माध्यम से, और बार बार कहा कि साहब बाढ़ आया था अगले बार 2020 में जब पानी भरा हुआ था, दरखास्त इन्होंने दिया कि साहब बाहर बंद कर दिया गया, हमारे घरों में पानी घुस गया, अनाज सड़ गए जो है, लेकिन बावजूद इसके जो है राजस्व विभाग द्वारा कोई कार्रवाई, कुंभकर्ण की नींव सोया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई, और उसका परिणाम यह हो गया कि बाहा को एक साइफन पतला से डालकर और बाहा पूरा पाड़ दिया गया है और पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, और जो एक तरीके से भूमाफिया है, भूमाफिया तो डेफिनेटली आ गए, गांव सभा संपत्ति, अगर आप गांव सभा संपत्ति को कब्जा करते कोई भी व्यक्ति करता है तो अब आगे आपकी कार्रवाई क्या होगी इस पे? अब आगे आगे हम जस्टिस के लिए इसके पास हमारे उपजिलाधिकारी महोदय हैं, क्योंकि हमारा पत्थर नसब हो गया है और हमारी मांग है, हमारे पत्थर नसब हो गया, हमारी जमीन आ गई, तो हम उस पर अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे, निर्माण करेंगे, मकान बनाएंगे और हमारे निर्माण कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। जैसे आपके ये कह रहे हैं कि इनको वो विपक्षी जो है जो इनकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, उसमें कोई बंदा एक पुलिस विभाग में भी है तो बार बार इनको जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो उस पर आप क्या करेंगे? इन्होंने बताया था और उसके लिए हम पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ जो है, इसके पहले भी पूर्व में भी इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था जान माल के धमकी का, लिहाजा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन पुनः जो है अब एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और हमारी मांग है कि कम से कम गरीब व्यक्ति है उसके साथ इंसाफ मिलना चाहिए, और इतने साल से न्यायालय का चक्कर काटने के बाद न तो उसको जमीन का उसको मुआवजा मिला, न तो सरकार ने इनको कहीं जमीन ही सेटल किया कि गरीब व्यक्ति है, अनुसूचित जात का व्यक्ति है, और इनकी जमीन हाँ, और इनका जमीन चला ही गया, इनको जमीन भी नहीं मिला, और उस जमीन के लिए दर बदर भटकने के बाद इनको अगर जस्टिस मिला, इनका पत्थर नसब हो गया, तो एक उम्मीद जगी कि हमारा पत्थर नसब हो गया, हम मकान बनाएंगे, लेकिन उस जो उम्मीद थी उम्मीद पे भी पानी फेरा जा रहा है, जो बहुत दुख की बात है। चलिए धन्यवाद। तो जैसा भी आपने देखा हमारे साथ में वकील साहब थे, ये पीड़ित भी थे, तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का एक उत्तर प्रदेश में खौफ था है, लेकिन वहीं पर लालगंज के अंदर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का कोई खौफ नहीं है। जैसा कि वकील साहब ने कहा, जैसा कि ये बाबा ने कहा कि कुछ लोग भूमाफिया जो हैं अवैध तरीके से इनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, लेकिन कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी अधिकारी एकदम गहरी नींद में सोए हैं, तो वो लोग कब जागेंगे? क्या कोई बड़ी घटना हो जाएगी, किसी की हत्या हो जाएगी, तब शासन प्रशासन नींद से जागेगा? अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ मैं जाबिर शेख प्रहारी, मुंबई से।